नमस्कार, आज आप जुड़े हैं द फैक्ट आई के साथ और आज ले चलते हैं आपको लोगों के बीच बताने कि जो बाबा राम रहीम के बारे में आजकल जो भी विचार मीडिया दिखा रही है, लोग सोच रहे हैं उस बारे में लोगों का क्या कहना है और उनकी क्या राय है, पूछते हैं लोगों से जाकर उन्हीं से। ना कोई तथ्य बनाएंगे, ना कोई बातें बनाएंगे, सिर्फ सच दिखाएंगे लोगों के साथ। मेरा नाम राजेंद्र जी। बाबा राम रहीम जो आज के टीआरपी के लिए मीडिया लोग कह रहे हैं कि टीआरपी के लिए ये सब दिखाते हैं। बाबा राम रहीम पर जितने भी आरोप लगे सब बिल्कुल झूठे हैं, कोरा झूठा है। और बाबा राम रहीम ने इस दुनिया में जो काम किया ना, आज तक कोई नहीं कर पाया। मतलब आपके हिसाब से बाबा राम रहीम की आज के समाज को किस कदर ज़रूरत है? अब आप बताइए, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए, एक लड़की अगर वेश्या की कोठी पर चली जाए तो उसके माँ बाप भी दोबारा उसको अपनाने के लिए तैयार नहीं होते। और एक सिर्फ बाबा राम रहीम इस धरती पर एक ऐसे संत हैं जिन्होंने उस बेटी को जो बदनाम है उसको भी अपनी बेटी बना के उसका घर बसाया और उसका घर स्वर्ग जन्नत से बढ़ के नज़ारे उस घर के अंदर आ रहे हैं। और तो और उसके नजायज बच्चों तक को भी अपना लिया, समाज में उसकी इतनी कदर कीमत की। दूसरी बात एक आपको और बताना चाहता हूँ जो इतिहास गवाह इस चीज़ के लिए, कहते हैं जिस वक्त भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास करके वापस आ रहे थे अयोध्या, तो जिस टाइम अयोध्या की सीमा से पहले ही किन्नर समाज के लोग वहीं बैठे रह गए थे, तो उन्होंने बोला भी तुम अयोध्या वापस क्यों नहीं गए? कहने लगे प्रभु आपने तो इजाज़त की थी कि सारे अयोध्या के नर नारी वापस चले जाओ, तो हम तो ना नर में हैं ना नारी में हैं, तो हम कहाँ जाएँ? तो प्रभु ने उनके लिए वचन किए थे, ये इतिहास गवाह है कि कल युग में तुम्हारा भी उद्धार करेंगे। तो आप बताइए आज इस युग में आके एक बाबा राम रहीम के अलावा किसी संत पीर फकीर और अवतार औलिया ने कोई किसी ने उनकी कब्र ली? सिर्फ एक बाबा राम रहीम ने उनको थर्ड जेंडर का हक दिलाया सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करके। और आज की डेट में किन्नर समाज का इतिहास गवाह है IAS ऑफिसर जिनके बच्चे, जिन घरों में बच्चे किन्नर समाज में आ जाया करते थे ना, वो उन घर के लोग भी अपने उन बच्चों को नहीं अपनाया करते, अब उन घर के लोग भी उन बच्चों को अपनाने लग गए हैं। और उनको किन्नर समाज की बजाय उनको किन्नर कोई नहीं कहेगा, उनको खुसरा कोई नहीं कहेगा, उनको ऐसा उच्च दर्जे का नाम दिया जिसमें समाज में उनकी इज्जत बढ़ गई। सुख दुआ समाज, लोगों के सुखों के लिए दुआएँ करते हैं, सुख दुआ समाज। अब बताइए ये 134 मानवता भलाई के कार्य किए हैं, 90 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनके पास, ये कोई खरीदे तो है नहीं, ये करके मिले हैं ना, तो बताइए उन पर कैसे यकीन कर सकते हैं? आज भी 6 करोड़ से ज्यादा लोगों के सर पर बाबा राम रहीम का जादू यूं ही चल रहा है, क्या वजह है इसकी? क्या कोई इन्हें रिश्वत देकर बुलाया जाता है या क्या सिखाते हैं बाबा राम? रिश्वत दे के नहीं बुलाया जाता, उनके दिए हुए कर्मों को याद किया जाता है। जिनके घर नरक बने हुए तो उनके घर आज स्वर्ग जन्नत से बढ़ के नजारे उनके घर में, अब बताइए क्यों नहीं याद करेंगे? अब हमें अगर कोई कहे तो हम तो कहेंगे, अगर विरोध करने वालों को हम तो समाज छोड़ देंगे, घर परिवार छोड़ देंगे, लेकिन बाबा राम रहीम का साथ नहीं छोड़ेंगे। मतलब आज भी आपका यूं ही भरोसा बना हुआ है बाबा? हमारा आज का यूं ही नहीं बल्कि आज का हमारा भरोसा लाखों करोड़ों गुना बढ़ के हो गया बल्कि। जी, देश की मीडिया समाज और सरकार से आज आप क्या अपील करना चाहेंगे? मीडिया समाज, मीडिया को हम क्या कहें, मीडिया तो बिकाऊ मीडिया है, अपने आप को खुद वो शो करने लग रहे हैं, हम क्या, हमारी औकात क्या है? बाकी समाज में जो कार्य बाबा राम रहीम ने किया ना, आज तक कोई नहीं कर पाया, आज भी समाज को जो उनकी ज़रूरत है जी। और वो चाहते हैं कि बाबा राम रहीम आए और फिर से जो है कि अपने कार्यक्रम उसी तरह करें, जिनके घर फिर दोबारा से नरक बनने लगे हैं वो उनके इंतजार में बैठे हैं।